क्राइम लाइन का एक होर अंक लैके असी हाजिर हाँ। हमेशा की तरह असी नज़र मारांगे इस हफ्ते दियां क्राइम दियां वड्डियां खबरां ते अते नाल ही क्राइम फाइल विच अज असी देखांगे पार्किंग की समस्या नूं लैके किस तरह कीता गया एक वकील का कतल। तो आओ शुरुआत करते हैं इस हफ्ते दियां क्राइम सुर्खियां नाल। लुधियाना ते जलंधर देहाती पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन तो बाद 8 खतरनाक दोषियों नूं कीता काबू। लुट खोह दीआं वारदातां नूं दिंदे सी अंजाम। चंडीगढ़ च सब इंस्पैक्टर ने गोली मार के कीती खुदकुशी। सिरसा च एक अध्यापक नूं फेसबुक ते किसी अणपछाते व्यक्ति नाल दोस्ती करनी पई महंगी। 6 लाख रुपए का लगा चूना। तो ये सन इस हफ्ते दियां क्राइम सुर्खियां। तो इन्हां सुर्खियां दे नाल नाल नज़र मारदे हां कुछ होर खबरां ते भी क्राइम रैपिड फायर च। सिरसा विच एक अध्यापक नूं फेसबुक ते किसी अणपछाते व्यक्ति नाल दोस्ती करनी महंगी पै गई। इस दोस्ती दे चक्कर विच इस अध्यापक नूं लखां रुपए तो हाथ भी धोना पिया। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके 3 व्यक्तियों नूं राजस्थान के उदयपुर तो गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चैटिंग दौरान महिला अध्यापक दे मित्र ने उस नूं दस्या कि ओह किसी समुद्री जहाज विच सीनियर अधिकारी है अते ओह जहाज ते जा रहा है, इसलिए ओह अध्यापक नूं 84 लाख रुपए अते कुछ गहने पार्सल कर रहा है। कुछ दिन बाद महिला नूं पार्सल लई फोन आया। पार्सल लई करीब 6.5 लाख रुपए देने की गल कही, जिस तों बाद महिला ने 2 बैंक खात्या विच करीब 6 लाख रुपए जमा करवा दिते। उधर जदों महिला नूं 6 लाख रुपए होर जमा करवाउण लई कहा गया तां महिला नूं शक होया अते उसने इसकी शिकायत पुलिस नूं कीती, जिस तों बाद सारा मामला सामने आया। रेवाड़ी च 2 बाइक सवार बदमाशा ने एक डॉक्टर तो बंदूक की नोक उत्ते 31,000 रुपए की नकदी लुट ली। बदमाशा ने जाते जाते डॉक्टर तो 20 लाख रुपए की फिरौती की मंग भी की, फिरौती ना देने ते जान तो मारन की धमकी दी। बदमाश वारदात को अंजाम देने तो बाद मौके तो फरार हो गए। डॉक्टर ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी करके दोहां बाइक सवार बदमाशा को काबू कर लिया। सूत्रों मुताबक काबू किए गए बदमाशों में एक दिल्ली पुलिस का जवान है और दूजा उस दे पिंड दा रहण वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। डेढ़ करोड़ रुपए के घोटाले के दोष में फंसे कॉन्फिड के महाप्रबंधक विनोद कुमार ने तनाव कारण आखिरकार पक्खे नाल फाहा ला के खुदकुशी कर ली। पंचकुला पुलिस नूं उन्हां दी लाश कोलों सुसाइड नोट मिलिया है, जिस विच मृतक ने अपने 8 सहकर्मियों नूं मौत लई जिम्मेवार दस्सिया है। फिलहाल पुलिस ने 8 व्यक्तियों खिलाफ खुदकुशी लई उकसाउण दे दोष विच मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लुधियाना ते जलंधर देहाती पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन तो बाद 8 खतरनाक अपराधियों नूं काबू करन च सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए सारे अपराधियों उत्ते कई मामले पहलां तो ही दर्ज ने। जानकारी मुताबक पुलिस पार्टी का पहला मुकाबला इन अपराधियों नाल जलंधर के पिंड जगराल च होया। इन अपराधियों वालों की गई भारी फायरिंग के बावजूद पुलिस ने गिरोह के 4 मैंबरों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी अपराधियों नाल पुलिस पार्टी का मुकाबला नकोदर के मोहल्ला गुरु नानक नगर च होया। इत्थे भी पुलिस उत्ते फायरिंग की गई, पर पुलिस गिरोह के सरगना गोरू बच्चा समेत 4 अपराधियों नूं फड़न च कामयाब रही। फिलहाल इन खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी नाल बहुत सारिया वारदातां हल होण की उम्मीद है। सिरसा दे राणिया रोड ते टाणी बिलासपुर नजदीक खाली प्लाट विच एक नवजम्मी बच्ची दी लाश मिली है। आसपास दे लोकां ने इसकी सूचना पुलिस नूं दित्ती। पुलिस ने लाश नूं पोस्टमार्टम लई सरकारी हस्पताल च पहुंचाया। पुलिस ने अणपछाते लोकां खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दित्ती है। मामला वीरवार दोपहर दा है, जदों टाणी बिलासपुर विच खाली प्लाट विच एक नवजम्मी बच्ची दी लाश होण दी सूचना मिली, जिसका सिर धड़ तों वक्ख सी अते उस नूं कुत्ते नोच रहे सन। लाश नूं देख के लग रहा सी कि लाश एक अद्धा दिन पहलां दी ही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहाली पुलिस ने देहरी पिंड दे वसनीक जगतार सिंह अते उन्हां दे साथियों विरुद्ध फेज 1 पुलिस स्टेशन च एक परिवार उत्ते जानलेवा हमला करन दा मामला दर्ज किया है। घटना शुक्रवार देर रात दी है, जद जगतार सिंह दा विजय नाल किसे गल नूं लैके झगड़ा हो गया। दोहां ने सोहाणा पुलिस थाने च अपनी शिकायत लिखवाई। सोहाणा पुलिस मुताबक विजय दे मामा सतपाल, जो खुद भी पुलिस ने, ओह विजय अते उस दे साथियों दा मैडिकल करवाउण लई अपनी गड्डी च मोहाली दे सिविल हस्पताल च जा रहे सन, तां जगतार ने कुछ अणपछाते नौजवानां नाल उन्हां ते हमला कर दिता।
जिस नाल सतपाल अते उन्हां दे चार रिश्तेदारां नूं सट्टां लगियां। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिती है। चंडीगढ़ के सैक्टर 53 के पुल नेड़े एक गली सड़ी लाश मिलन नाल सनसनी फैल गई। पुलिस मुताबक उन्होंने सूचना मिली थी कि एक लाश पुल कोल पई है। पुलिस मुताबक व्यक्ति की लाश 5 दिन तो इत्थे पई सी, जिस कारण लाश पूरी तरह सड़ गई सी अते चेहरा भी पछाण विच नहीं आ रहा सी। पुलिस मुताबक उस कोलो एक टेंपरेरी नंबर की बाइक अते हेलमेट भी मिले। पुलिस ने लाश नूं सैक्टर 16 हस्पताल च रखवा दिता है, जिसकी हाले तक कोई पछाण नहीं हो सकी है। सोनीपत रेलवे लाइन फाटक कोल दो बाइक सवार अनपछाते हमलावरां ने दिन दहाड़े एक विद्यार्थी नूं गोली मार दिती। विद्यार्थी की गोली लगन कारण मौके ते ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही लाश नूं अपने कब्जे च लै लिया। उधर पुलिस ने मृतक के परिवारक मैंबरां दे बयान ते मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल के करौंडा रेलवे रोड से स्थित पंजाब नैशनल बैंक की शाखा में उस समय अचानक हंगामा खड़ा हो गया, जदों बैंक में नकदी जमा करवाने आए एक पेट्रोल पंप के अकाउंटेंट के बैग चो 1.5 लाख रुपए की नकदी गायब हो गई। एक कर्मचारी बैंक में कुल 3,90,000 रुपए जमा करवाने पहुंचा सी। नीली टी शर्ट पाए हुए नौजवान ने चलाकी नाल वारदात को अंजाम दिया। बैग चो रुपए गायब करने की पूरी करतूत बैंक के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने बैंक की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ च CISF के एक सब इंस्पैक्टर ने गोली मार के खुदकुशी कर ली। मृतक सब इंस्पैक्टर का नाम विमल कुमार सी अते ओ हरियाणा सकतरे च तैनात सी। पुलिस ने विमल कोलो सुसाइड नोट बरामद किया है, जिस विच उन्हां खुदकुशी लई खुद नूं दोषी ठहराया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहाली के वकील के कतल के मामले में मोहाली अदालत ने सारे दोषियों से कतल अते कई होर धाराओं तहत दोष तय कर दिए ने। पुलिस की जांच में यह साबित हो गया है कि इन दोषियों ने पार्किंग की समस्या को लेकर वकील का गोली मार के कतल कर दिता सी। की सी ए पूरा मामला आओ देखते हैं। मोहाली की अदालत विच प्रैक्टिस करन वाले अते फेज 3A दे वसनीक अमरप्रीत सिंह 27 फरवरी की शाम करीब 8 बजे अपने घर के बाहर खड़े सन। वो शायद अपने घर सामने पार्किंग विच लगी गुआंढियां दे लड़कियां दी गड्डी तो परेशान सन, क्योंकि उन्हां लड़कियां ने गड्डी गलत खड़ी कीती सी। अमरप्रीत दे चाचा मनजीत सिंह सेठी, जो कि गुआंढ विच ही रहिंदे ने, उस समय उस मोहल्ले विच सैर कर रहे सन। मनजीत सिंह मुताबक थोड़े ही समय विच कुछ लड़के उत्थे आए, जिन्हां दी गड्डी अमरप्रीत दे घर सामने खड़ी सी। अमरप्रीत ने उन्हां नूं गड्डी सही थां ते खड़ी करन लई कहा, अते इह गल लड़ाई झगड़े विच बदल गई। देखदे ही देखदे उन्हां विचों एक लड़के, जिसका नाम धर्मिंदर सी, उसने अपनी बंदूक नाल अमरप्रीत ते गोली चलाई, जिस नाल अमरप्रीत जमीन ते डिग गया। सताई फरवरी की गल है, रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम, 8:15 दे विच सीगा। मैं रोटी खा के अपना बाहर सैर कर रहा सी, तां इत्थों थोड़ी दूरी ते मेरे ब्रदर दा वड्डियां दा घर है 285 नंबर, उहदे कोल इक मैनूं फायर दी आवाज़ सुनी ते मैं इमीजिएटली जदों उत्थे पहुँचया तां मैं देखिया कि एक लड़का जिहदा नां धर्मिंदर सिंह, वो अपने हाथ च फड़े हथियार दे नाल अमरप्रीत सिंह दी छाती ते सीधी गोली उन्हें मारी। अमरप्रीत दे चाचा मनजीत मुताबक गोली चलन दी आवाज नाल उन्हां दा बेटा उसनूं मिलन आया, उसदे दोस्त घर दे बाहर भज्जे। जिवें ही वो मौके ते पहुंचे, एक दिल दहला देण वाला मंजर सी। उन्हां मुताबक वो 9 लड़के सन, जिन्हां दे हत्थां विच पिस्तौल सन। जिवें ही मनजीत, उन्हां दा बेटा ते उसदे दोस्त उत्थे पहुंचे तां उन्हां लड़कियां ने इन्हां तिन्हां ते वी गोलियां चलाईयां। मनजीत तां एक कार दे सहारे छुप गया, जिस कारण उन्हां नूं गोली नहीं लगी, पर उन्हां दे बेटे अते दोस्त नूं गोली लगी अते ओह जख्मी हो गए। अमरप्रीत सिंह नाल उसदे रिश्ते विच लगदे भरा अते उसदे दोस्त नूं फोर्टिस हस्पताल विच लिजाया गया, जिथे अमरप्रीत नूं मृत करार दिता गया। इन दी बिटवीन उहदे आले दुआले होर कई बंदे खड़े सी, सानूं नहीं सी पता वी किहड़े किहड़े उस वेले खड़े ने, क्योंकि उह थोड़ा इह कह सकदे आं वी क्राउड वी उत्थे इकट्ठा हो गया सी। फायर की आवाज़ सुन के ये सारे अपने अपने हथियारों नाल लैंस उत्थे ललकारे ते फायर कर रहे सी, जिहदे चों रजत ने मेरे बेटे दे
गोलियां मारियां, जिदे लत्तां दे विच गोलियां वज्जियां, पट दे विच दो फायर उन्हें मारे। सुनील भनोट ने मेरे एक दो बेटे का दोस्त सी सिमरजीत सिंह, उहदे फायर कीता, उहदे गोलियां वज्जियां। गुआंढियां मुताबक उन्होंने गोली चलन की आवाज सुनी, जिवें ही वह बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़के भज रहे ने। उधर अमरप्रीत जमीन ते डिग गया सी अते उसका रिश्ते विच लगदा भरा ते उसका दोस्त भी जख्मी होए पए सन। मैनू तो कुछ नहीं पता भी की गल हुई बेसिकली, पर जदों गोलियां दी आवाज़ सुनी तो जरूर देखण आए फटाफट भी की चीज़ हुई है। पता खोल चलाई तद जदों एडवोकेट साहब सीगे तो जमीन ते लम्मे पे होए सीगे, उन्हां नूं फटाफट चक के गड्डी च पा के उह फोर्टिस हॉस्पिटल भेजिया। अमरप्रीत दे कतल दी खबर पूरे महल्ले विच तेजी नाल फैल गई। कतल दा कारण सी मामूली जिही पार्किंग दी समस्या। पुलिस भी मौके ते पहुंच गई अते उसने घटना स्थान दा बयाना कीता। घटना तो बाद पुलिस अधिकारी मौके ते पहुंचे। इस घटना तो कुछ देर बाद ही पुलिस ने दो लड़कियां नू हिरासत विच लै लिया। अमरप्रीत नू फोर्टिस हस्पताल विच मृत करार दिता गया। दोवां जख्मियां नू इलाज लई भर्ती कर लिया गया। उस समय मौके ते मोहाली दे SSP गुरप्रीत सिंह भुल्लर भी सन, जिन्हां ने उस समय मीडिया नू इस सारी घटना की जानकारी दी अते दो लड़कियां नू राउंड अप करन दी गल भी कही। देखिए जो बात अभी तक प्रिलिमिनरी हमारे पास आई है उसमें ये अमरप्रीत सिंह एडवोकेट जो हैं इनके नेबर्स के साथ, वो नेबर जो है उनकी बिहेवियर को लेके इन्होंने उनको इस बात से टोका था कि उनकी गाड़ी जो है वो सही जगह नहीं खड़ी कर रही, तो उसमें उत्तेजित होके खाम खा उन्होंने आके अग्रेसिव होके इनके ऊपर अटैक किया, जिसमें उनकी बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि डेथ हुई और दो बंदे इंजर्ड हैं। अक्यूज़ तकरीबन आइडेंटिफाइड हैं क्योंकि वहाँ वो PG के तौर पे रह रहे थे और उनके जो कम्प्लिस हैं उनकी गाड़ियाँ और बाकी सामान से ऑलरेडी हमें पता लग चुका है। उस समय का नज़ारा बहुत भयंकर सी क्योंकि मनजीत दे परिवार वालों मुताबक जिवें ही उन्होंने गोली चलन की आवाज़ तो बाद शोर सुनिया तो वह बाहर भजे। उन्होंने देखा कि कुछ लड़के इधर उधर भज रहे सन, उन्होंने हाथों में बंदूकां सन। उधर गुआंढ के लोग भी उन्होंने लड़कियों नाल बहस रहे सन अते कुछ मिनटों में ही उन्होंने सारा मामला समझ में आ गया। जिले हादसा वापरिया उस समय मैं अपने घर TV वेख रहा सी, ज्यों ही ये फायरिंग की आवाज़ आई मैं बाहर निकल देखा तो वह बंदे भज रहे सन। अमरप्रीत के पिता मुताबक वह हादसे समय मोहल्ले के एक पार्क में सैर कर रहे सन, इस दौरान यह हादसा हो गया। उन्होंने मुताबक उन्होंने भी गोली की आवाज़ सुनी, जदों तक वह अपने घर बाहर पहुंचे तो उन्होंने बेटा जमीन से डिग्या हुआ सी अते कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपने बेटे को गुआ दिता। मैं उस वे पार्क के ही सी, सामने साढ़े घर के पार्क है तो दूसरे कारनर से सी, दो ढाई मिनट के चक्कर लगता पार्क का, दो मिनट के पिछे सारा पाणा वापर गया तो वह दो मिनट के फायरिंग आवाज़ मैं जोरावर सुनाई दिती। मैं जो उत्थे पुजा तो उस वक्त तो बंदे सारे जा चुके सन, तो पर लेकिन इन्ह सारे बंद मैं निजी तौर पर जाणू हाँ क्योंकि पिछले कुछ समय तो इतने PG के तौर पर 282 नंबर मकान में रेंदे सन। पुलिस ने अगले दिन इस केस विच अमरप्रीत दे चाचा मनजीत सिंह सेठी दी शिकायत ते 9 दोषियों विरुद्ध FIR दर्ज की। और दोषी सन धर्मिंदर सिंह, ओंकार सिंह, सनवीर सिंह, दीपक कौशल, जसविंदर सिंह, रजत गुप्ता, सुनील भनोट, विशाल अते केविन रिची। इन्हां दोषियों विच जसविंदर सिंह SCPC लुधियाणा दे मैंबर रणजीत सिंह दा बेटा है अते FIR विच वी लिखिया गया। दीपक कौशल दी कार तां मौके तों ही पुलिस ने बरामद कर लई सी जिसते यूथ अकाली दल का स्टिकर सी अते उसका VVIP नंबर PV16H0004 सी। उधर अमरप्रीत के कतल तो खफा मोहाली के बार एसोसीएशन के वकीलों ने SSP मोहाली के दफ्तर सामने धरना दिता। पुलिस ने दोषियों को जल्द काबू करने लिए एक मांग पत्र भी सौंपया। असी अज एक पहले अपनी अदालत का जो वर्क से सस्पेंड किया, तो उस तो बाद असी अपने गेट के गेट धरना दिता,
तो उस तो बाद असी अज मेमोरेंडम है जिहड़ा जो लोगों ने सारी जनरल हाउस ने डिसाइड किया उसके मुताबिक एक मेमोरेंडम तैयार करके अज एडमिनिस्ट्रेशन नूं देण आए हैं। मामले में नवा मोड़ उस समय आया जदों मृतक के परिवार वाले नूं पोस्टमार्टम करवाने लई भी दिक्कतां आईयां। मामले ने राजनीतिक मोड़ लै लिया। मोहाली के MLA अते मोहाली की बार एसोसीएशन के नाल पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट के बार मैंबर भी हस्पताल पहुँच गए अते परिवार की मदद की। अमरप्रीत के परिवार को उसकी मौत का वड्डा सदमा सी। उन्होंने मुताबिक नौ दोषी किसी न किसी वड्डे राजनीतिक गुटां नाल संबंध रखते सन। अमरप्रीत के चाचा मनजीत सिंह मुताबिक मौत के अगले दिन पुलिस ने अमरप्रीत की लाश का पोस्टमार्टम मोहाली के सिविल हस्पताल विच करवाया, पर उत्थे भी उन्होंने कई मुश्किल आईया, जिमें कि उत्थे कुछ मशीन नहीं सन। इंज जापदा है कि पोस्टमार्टम करने वाले भी पुलिस दी गल्लां विच आ गए सन। क्योंकि मैं तो दो दिन का इधर ही परेशान हाँ, ना तो पुलिस को हजे तक अपना डॉक्टर को हजे तक यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो सकी है, क्योंकि जिन्हें भी बोर्ड बने ने इतों पहला चंडीगढ़ असी लै गए, कल शामी सवेरे 9 बजे का कल का स्टार्ट होया पोस्टमार्टम, शामी 6 बजे कहते हैं भी साढ़े कंसेंसिस नहीं मिल रहे एक दूजे नाल, तो असी चंडीगढ़ तो कराना चाहते हैं। तो असी चंडीगढ़ 16 सेक्टर लै गए, उत्थे सानूं बड़ी परेशानी देखनी पई कि उत्थे आउट ऑफ द यूरिडिक्शन से उत्थों परमिशन स्पैशल लैके MS तो कराना पिया सानूं। जदों वो कराया तो उत्थे भी सानूं जिवें कह लो भी सानूं दस्या जा रहा सी जी मिल गई जी आह इत्थे पई है जी इत्थे पई है जी, शामी 7 बजे वह भी जवाब देता भी लभ ही नहीं जी गोली कित्थे है। हुण डैथ दा गोली नाल होई दसदे ने, ते गोली पेट चों जां शरीर चों कित्थे लंघ गई इह नहीं दस रहे। उस समय हस्पताल तो बाहर अमरप्रीत के परिवार वालों का डॉक्टरों नाल झगड़ा हो रहा है। परिवार वाले दोष लगा रहे सन कि डॉक्टरों को जो मशीन नहीं सन पोस्टमार्टम नूं जानबूझ के अद्धा अधूरा करन दा एक बहाना सी। उत्थे मोहाली के कांग्रेस विधायक बलबीर सिंह सिद्धू भी पहुंचे जिन्हां ने शहर अते सूबे विच अशांति की गल कही, पर अंत विच मोहाली की बार एसोसीएशन अते पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट की बार एसोसीएशन के मैंबरां ने उत्थे आ के थोड़ा दबाव बनाया। उस दिन अमरप्रीत का अंतिम संस्कार शाम नूं कर दिता गया। साडा ये कहना भी अज पंजाब च जिहड़ा लॉ एंड आर्डर वह बिल्कुल खत्म है, इस वेले सरकार तो आउट ऑफ कंट्रोल है, और सरकार के जिहड़े चहेते ने जां सरकार दे जिहड़ियां दूजियां ब्रांचां हैगियां जिवें YID यूथ अकाली दल जां विक्रम सेना हैगी आ, वह सारे इस वेले गुंडागर्दी ते उतरे हुए हैं। इस सारे लड़के फेस 3 विच अमरप्रीत सिंह दे घर कोल 282 नंबर मकान विच किराए ते रह रहे सन। अमरप्रीत दे गुआंढियां मुताबक ओह अपनियां गड्डियां मोहल्ले विच किधरे भी खड़ियां कर दिंदे सन। कई बार इस दी शिकायत मोहल्ला वासियां ने उहनां दे मकान मालक जनक नूं कीती सी, पर उहनां मुताबक इस दा कुछ फायदा नहीं होया। जद पुलिस ने मकान मालक तों इन्हां सारे लड़कियां दी वेरीफिकेशन करवाउण दी गल कीती ता जनक ने पुलिस नूं PG बारे कोई जानकारी नहीं दित्ती सी, ना ही गमाडा तों PG चलाउण दी इजाजत लई सी, इस लई जनक ते भी कानूनी कारवाई कीती गई। अमरप्रीत साढ़े मतलब साढ़े भतीजे वर्गा साढ़ा सीगा बेटे वर्गा, ते जिस वेले हादसा वापरिया मैं बाहरों आया सीगा, ते असी इस ते पहलां वो जिहड़े बंदे गड्डियां रोंग पार करदे से उन्होंने कई बार कहा भी गड्डियां अपनी जगह पार करिया करो जिस दे नाल किसी मोहल्ले च दूजे नूं परेशानी ना आउण, पर उहनां ते कोई सेह ते फर्क नहीं पैंदा से। इहदे बारे मोहल्ले वालिआं ने जनक जिहड़ा 282 दा मालिक है उहनूं भी रिक्वेस्ट कीते सीगे, जिहड़े कि बहुती कामयाब नहीं होए। पुलिस जांच इह सामणे आया कि मोहाली च कई थावां ते बिना रजिस्ट्रेशन दे PG चलाए जा रहे ने। वकील अमरप्रीत का कतल करन वाले भी गैर कानूनी तौर पर चल रहे PG च रह रहे सन, फिर पुलिस ने इन्हां PG's खिलाफ मुहिम शुरू कर दिती। उधर इस घटना तो बाद मोहाली पुलिस ने सारे PG चलाउण वालियां दी लिस्ट मंगवाई अते PG विच रहण वाले लड़कियां बारे पुछगिछ कीती। उधर PG चलाउण वालियां ने मोहाली पुलिस नूं दस्या कि PG अते किराए ते रहण लई कमरा लैणा दोवें वख-वख चीज़ां ने। इस तों बाद PG चलाउण वालियां ने अपनी एक एसोसीएशन बनाउण दी गल भी कही, पर इस गल नाल इक चीज़ जाहर सी कि PG चलाउण वाले अते किराए ते घर देण वाले अपने किराएदारां दी पुलिस वेरीफिकेशन नहीं करवाउंदे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ PG ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਰਫੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ PG ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ
उन्हों का सारा बायोडेटा सारे पी जी वाले जिन्हों ने नहीं दिते वो भी अज तो एक सात दिन पूरा करके दे हूँ साढ़े पी जी एच दारियां का एसोसीएशन तो बनाई है तो उस करके असी जड़े ने शाम दोबारा कट्ठे होवे कट्ठे हो के तो जो भी हो सकेगा अपने पी जी वाले वास्ते करा क्योंकि क्राइम मुंडे कर जाते हैं जोड़े कमर अलग लैके रेंगे ने और अगर साडा कोई पी जी का बच्चा क्राइम करता तो वे पी जी लिखा जाए प्रेस वाले वास्ते स्पैशल है अगर कमरे के कोई बंदा करता तो वे ए लिखा जाए कि पी जी वाले ने क्राइम किया बच्चा ने। इस वारदात के दिन ही मोहाली पुलिस ने ओंकार सिंह और सनवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तीन दिन बाद जसविंदर सिंह को भी लुधियाना तो गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 13 मार्च को दीपक कौशल को गिरफ्तार किया। मोहाली के SSP गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने 26 मार्च 2013 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस विच उन्होंने दसिया कि इस केस विच चार होर दोषियों को पुलिस ने इंदौर पुलिस की मदद नाल इंदौर तो गिरफ्तार किया। किसान सुनील पनोट विशाल रजत गुप्ता और धर्मेंद्र सिंह पुलिस ने आखिरी दोषी केविन रिची को 7 महीने बाद गिरफ्तार किया। इन्हों विचों धर्मेंद्र से पहले ही लुधियाना विच एक अपराधिक केस चल रहा सी अते उसनू अदालत ने भगौड़ा करार दिता सी। उहदे च स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई सी SP City मिस्टर स्वरणदीप उन्होंने थले ते वख-वख थाणियां दे पार्टियां तो CIA तो सहयोग लिया गया सी। उहदे तहत उस स्पैशल ऑपरेशन के तहत साडी टीम महेश कुमार SHO कुराली दे नेतृत्व च मध्य प्रदेश इंदौर च जाके उन्होंने रेड करके चार जिहड़े मेन मुलजम सी इस केस दे धर्मिंदर सुनील पनोट रजत ते विशाल शेखावत इन्हां दे नाल जिहड़े पिस्टल ने चार 2 32 बोर दे 2 7.62 दे वह बरामद किए हैं तो एक इन्हों का जो सहायता कर रहा सी बंदा लुकन छुपन दे विच कमल एलियस अवनीत जगराओं का चचराड़ी का रहन वाला उन्होंने भी गिरफ़्तार किया। वो खिलाफ़ भी पनाह का जाली आईडिया तैयार करने का परचा पहला भी थाना मटौर च दर्ज है। ये जिहड़े अक्यूज़ ने इन्हों उ अज इंदौर की इलाका मजिस्ट्रेट दे पेश किया जा रहा तो ट्रांजिट रिमांड राही जिहड़ा वो 2-3 दिन च अपने कोल इत्थे पहुँच जाएंगे। सारे मामले विच अमरप्रीत दे परिवार वालियां नूं पहला मुश्किलां दा सामना करना पिया। शिकायतकर्ता मनजीत सेठी मुताबक उन्हां शुरू विच कई तरीकियां नाल प्रभाव पाया तां जो केस कमजोर पै जाए अते दोषी बरी हो जान। सेठी मुताबक इस केस विच जांच अधिकारी नूं भी 2 बार बदलन दी कोशिश कीती गई। इस तरह इस केस दे विच ना जिहड़े विच काफी मुजरम जिहड़े ने ओह हर पक्खों मैं कहांगा फाइनैंशली भी सोर्सफुली भी तो पोलिटिकली भी बहुत ज़्यादा हाई पावर रखते हैं पर अल्टीमेटली जिहड़ी आलमाइटी की पावर है ना उन्हें काम किया। जिवें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की गल कर तुसी पूछ रहे थे कि पोस्टमार्टम वाले दिन इन्होंने साडा 2 जिहड़ा पोस्टमार्टम है पहला इत्थे उहदियां फोटोआं लईआं फिर इन्हां कोल डिजिटल कैमरे जिहड़े प्रॉपर ना चलन करके इन्होंने फिर चंडीगढ़ 16 सैक्टर तो भी वो पोस्टमा अपना MRI कराई। एक हर तरह पोलिटिकली प्रैशर पा के इस केस नू दबाण वास्ते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सही ना देती जाए पूरा मैनेजमेंट की हुई सी। साड़ी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरा जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन IO ऑफिसर सी उन्हूं 2 बारी कोशिश की गई ट्रांसफर कर जिन्हों असी अपनी परसनल रिक्वेस्ट कर करके भी IO नूं तुसी चेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ने जे तुसी इन बिटवीन इन्वेस्टिगेशन IO चेंज कर दिओ तो ये रोंग होएगा इस करके इन केस नूं कंप्लीट होने दिओ उस तो बाद भावें तुसी चेंज कर लो। केस का ट्रायल मोहाली की जिला अदालत में चलिया और दोषियों के केस की पैरवी करने कोई वकील सामने नहीं आया। मोहाली की अदालत ने अक्तूबर 2013 में 2 बार दोषियों से दोष तय करने की तारीख रखी पर दोवें बार सारे दोषी ना होने कारण तारीख अगे पै गई। पर 6 नवंबर 2013 को अदालत ने सारे दोषियों के IPC की धारा 302 307 120B
148-149 तहत दोष तय किए। अदालत ने दोषियों को अगली सुनवाई से अपना वकील पेश करने भी कहा। अदालत के इस फैसले की अमरप्रीत के परिवार वाले ने शलाघा की, कानून से पूरा विश्वास जताया। जिहड़ा पहलां 2 तरीकां दे उत्ते जान बुझ के डेलीबरेटरली इन्हां नूं पता सी भी चार्ज फ्रेम होने ने, अपना एडवोकेट नहीं पेश कीता, नो ए जान के करदे सी। हुण इस वारी जज साहब ने तां हदायतां ही देतियां वी नैक्सट जिहड़ी हीरिंग है उहदे ते अपना एडवोकेट लैके आना। दो बोथ पार्टी, मैनूं भी कहा, उहनां नूं भी कहा। हुण असीं नैक्सट 4 तरीक दी वेट कर रहे हां। 4 तरीक नूं कोर्ट दा मसला है। हुण ये ग्रिप 'च आ गए, ज कोर्ट दी ग्रिप 'च आ गए। वैसे तो पंजाब सरकार ने 2012 की विधानसभा चोणों तो बाद सूबे विच कानून व्यवस्था बनाई रखने पर जोर दिता सी। मोहाली शहर नूं एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनाउण दा दावा भी किया, पर इस शहर विच एक वकील की छोटी जिही पार्किंग की समस्या नूं लैके गोली मार के कतल कर दिता गया, जिस नाल सरकार दे दावियां ते सवालिया निशान भी लगे। किहो जिहा लग्या साडा क्राइम लाइन, सानूं जरूर दसो editor@dayandnightnews.com ते। अगले हफ्ते फिर नवे क्राइम एपिसोड नाल मुड़ हाजिर होवांगे। धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।